नशा भगाओ रोजगार बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत DYFI के कार्यकर्ताओं द्वारा हमीरपुर में बढ़ते हुए नशे के कारोबार व ड्रग माफिया के खिलाफ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में आए हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में बढ़ते नशे को रोकने और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम छेड़ने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के आरोप लगाते हुए DYFI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर अपना गुबार निकाला। जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। अनिल मनकोटिया ने कहा कि नशा भगाओ रोजगार बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत इस रैली को निकाला गया है और धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बढ़ते नशे के कारण नौजवान इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफिया बड़ा हो या छोटा, उस पर शीघ्र सिकंजे में लेना चाहिए। अनिल मनकोटिया ने कहा कि पुलिस विभाग को सब गतिविधियों का पता है तो ड्रग माफियों को पकड़ने में क्यों देरी हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमीरपुर के साथ प्रदेश में जो नौजवान नशे की जकड़ में हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए तथा ड्रग माफियों को शीघ्र पकड़ा जाए, क्योंकि वह हमीरपुर को उड़ता पंजाब नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा नशा भगाओ और रोजगार दिलाओ अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमीरपुर के अंदर पिछले कुछ समय से जो ड्रग माफिया है उसका शिकंजा जो है, जो स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उनके ऊपर कसता जा रहा है, और इससे पहले भी हम जिला प्रशासन के समक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर मिल चुके हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी पूरे जिला के अंदर जितने हमारे नौजवान भाई हैं, स्कूल के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, कॉलेज जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी नौजवानों के तक जो है नौजवान सभा की तरफ से हम पहुंचेंगे, और एक मांग पत्र जो है आज हम जिलाधीश महोदय को हम सौंपने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारी ये मांग है कि जो ड्रग माफिया है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, और उसके साथ साथ हमीरपुर के अंदर जो है जितने भी जो नौजवान जो ड्रग लेने के शिकार हुए हैं उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है उसको खोला जाए, और उसके साथ साथ जो जितना भी जो ड्रग माफिया जो पुलिस की नज़र में है, चाहे वो छोटा ड्रग माफिया है चाहे वो बड़ा ड्रग माफिया है, उसके ऊपर लगातार चेक करते हुए जो है उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, और इस तरीके का अभियान जो है हम शुरू कर रहे हैं। और जितना भी जो नौजवान है हम ये चाहते हैं कि एक संदेश जो है नौजवानों के बीच में लेकर जाएं, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि नौजवान जो कोई चिट्टा का शिकार है, हीरोइन लेने का शिकार है, कोई इंजेक्शन लेने का शिकार है, और नौजवान जो है नशे के साथ साथ जो है वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। हम हिमाचल को जो है उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे।